नीचे एक अपने बाप अटल बिहारी कैसी भाषा का इस्तेमाल करे चंद्रेश जी, ऑडियो नीचे। अटल बिहारी वाजपेयी का सलीफ से नाम लेना तुम, श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सलीफ से नाम लेना तुम, तुमको मैं तमीज सिखा दूंगा बदतमीज कहीं के, तुमको तुमको इतनी तमीज नहीं है, अपनी हद और अपनी औकात में रहना चंद्र चंद्रेश, अपने औकात में रहना, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अपने हद में बात करना। आपने बीजेपी नेता को क्या ये बोला कि तुम्हारे बाप अटल बिहारी वाजपेयी, क्या आपने बोला था चंद्रेश जी? बिल्कुल हमने बोला था। आपने क्या बोला? हमारे ऊपर आरोप लगाए, हमने ये भी कहा कि इनके दद्दा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आपने आपने बोला कि तुम्हारे बाप अटल बिहारी वाजपेयी। मैं चाहूंगा आप इन शब्दों को वापस लीजिए प्लीज। हमारी बातों से किसी को हर्ट हुआ है तो हम उसकी क्षमा भी मांगते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जानते हैं किनके बारे में कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें शोभा देता है, हम डिबेट में बैठ के अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या स्वर्गीय नेहरू जी के संबंध में ऐसी बातें शोभा देती है? अगर इतिहास के पन्नों में वो लिखा हुआ है तो मैं पूछूंगा आपसे सवाल, इंदिरा गांधी जमीन क्यों नहीं खरीद पाई? तो मैंने ये सवाल तो पूछा आपसे, क्या ये सवाल जायज नहीं है? क्या ये सवाल मैं पूछूं, इंदिरा गांधी जमीन क्यों नहीं खरीद पाई? 370-35 कौन लेकर आया? मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ और मैं उम्मीद चाहूंगा कि आप डिबेट छोड़कर नहीं भागेंगे। प्ले करूं प्ले करो। ट्विटर हैंडल पर काफी ट्वीट हो रही है, ये तस्वीर देखी आपने चंद्रेश जी, जानते हैं आप इसे? बताइए। सुना है नाम? स्क्रीन पर लाइए। ये कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी के मेहमान हुआ करते थे, मेहमान, और इन्हें कश्मीरी पंडितों का हत्यारा तक बोला गया, हत्यारा, जिसे आपकी सरकार में भरपूर प्यार मिला, प्यार, जनाब यासीन मलिक साहब जिसे आप कैसे इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो मुझे कोई आतंकवादी का ही पिक्चर दिख रहा था, मुझे तो लग रहा था कोई आतंकवादी है, कोई नरसंहारक है ना, तो यासीन मलिक कौन है? और इस तरह से हथियार लेकर प्रदर्शन करने वाले को समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी, यासीन मलिक कौन है? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता यासीन मलिक कौन है? सुनिए यासीन मलिक कौन है? यासीन मलिक छोड़िए, जो भी हो, क्यों छोड़ो? व्यक्ति भारत क्यों छोड़ो? कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हो, यासीन मलिक को छोड़ दूं मैं? यासीन मलिक को छोड़ दूं? कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूं भाई, कश्मीर में मैं भाई, हमने एक ही प्रश्न पूछा कि कश्मीर में जब 19 जनवरी को ये घटना घटी, देश की सत्ता की बात, आपने कहा यासीन मलिक को छोड़ दो, वो जवाब देगा? मैं यासीन मलिक को क्यों छोड़ू? क्या उससे सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? यासीन मलिक को क्यों छोड़ू मैं? बिल्कुल मत छोड़िए, बिल्कुल। तो आप मुझे फिर ये बता दो, आप अगर आप कह रहे हैं यासीन मलिक को छोड़ दो, नरेंद्र मोदी से कि यासीन मलिक को भरे चौराहे पर गोली मरवा दे, यासीन मलिक नरेंद्र मोदी ये हिम्मत कर पाएंगे मरवा दे? फोटो आप खिंचवा रहे थे, मेहमान आप बना रहे थे, आज आप कह रहे हो कि गोली चला दो उस पे? एक बात बताइए, कश्मीर में ये दंगा होता है, ये सवाल ले लीजिए चंद्रेश जी, सवाल ले लीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मैं फिर कह रहा हूँ डिबेट छोड़ दूंगा, यहीं पर डिबेट छोड़ दूंगा। कश्मीर की मस्जिदों से नारे लग रहे थे, कश्मीर की मस्जिदों से क्या नारे लग रहे थे मालूम है ना आपको? क्या नारे लग रहे थे कश्मीर की मस्जिदों से? नारे लग रहे थे कि कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। कश्मीर की मस्जिदों से नारे जब लग रहे थे तब पूरे के पूरे राज्य में बिजली नहीं थी, लेकिन मस्जिदों में बिजली थी, ठीक ही नहीं? और जिसे आप कह रहे हैं कि यासीन मलिक को छोड़ दो, यासीन मलिक कौन है? कौन है यासीन मलिक? क्यों छोड़ दूं मैं उसको? मलिक को आप चौराहे पर खड़ा करा के गोली मरवा दीजिए। तो आपने उसे मेहमान क्यों बनाया अपना? चौराहे पर खड़ा कर आपने मेहमान क्यों बनाया उसे अपना? आपने मेहमान क्यों बनाया? आपने उसे मेहमान नहीं बनाया, किसी ने नहीं मेहमान बनाया। यूपीए सरकार में होगा, कोई समझौता हुई होगी, भरपूर प्यार नक्सलियों के साथ, भरपूर प्यार पार्टी ने बैठकर एग्रीमेंट किया और नक्सलवाद छोड़ने की बात की। आप ये भी बता दीजिए फिर कितने मुसलमानों ने पलायन किया कश्मीर से? कितने मुसलमानों ने कश्मीर से पलायन किया बताइए ना चंद्रेश जी, आज आप ट्वीट कर रहे हैं, कितने मुसलमानों ने पलायन कर दिया? सरकार किसकी थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह जवाब देंगे,
मोहम्मद मुफ्ती सईद जी जवाब देंगे, जगमोहन जवाब देंगे। आप ट्वीट करें, भाजपा आप ट्वीट करें 1990 से 2007 के दौरान पंडितों की तुलना में मुसलमानों को ज्यादा मारा गया। आप ये ट्वीट करें और फिर आप कह रहे कि जवाब इनसे लो। और ये ट्वीट जिसमें लिखा गया कि पिछले 17 साल 1990 से 2007 में हुए आतंकी हमलों में 399 पंडित मारे गए, इस अवधि में आतंकियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है। चंद्रेश जी, इस ट्वीट पर फक्र है आपको? ये जो ट्वीट आया है, इस ट्वीट के माध्यम से ये बताया गया है कि घाटी के अंदर किन परिस्थितियों में क्या हुआ है और घाटी में जान गंवाने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों है। तो कहीं से भी इस ट्वीट के अंदर कोई भी कॉमनल बात नहीं है। अगर आपको इस ट्वीट पर फख्र है तो आपने इसे डिलीट क्यों किया? ऐसा है कि इस ट्वीट पर हमने ना कहा कि हमें फख्र है और ना हमें कोई शर्म है, दोनों बात मैं कह रहा हूं। आपको शर्म नहीं आई इस ट्वीट को देखकर? आप इस ट्वीट में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? आप इस ट्वीट में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं है, ये हिंदू मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। आप क्या साबित कर रहे हैं चंद्रेश जी? आप क्या साबित कर रहे हैं 1990 से 2007 में आतंकी हमले हुए 399 पंडित मारे गए? आपने लिखा 399 पंडित मारे गए, आपने लिखा ना कि 399 पंडित मारे गए और मुसलमानों की संख्या 15,000 है। किसने क्या साबित कर रहे हैं? किसने किस परिस्थिति में उसने ट्वीट किया नहीं किया, किसी ने गलती से ट्वीट डाला, उसका ट्विटर हैक हुआ, उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। अच्छा, तो गलती से डाला? मुझे लगता है कि ट्वीट करने वाले को खुद ही लगा कि ट्वीट ये गलत हो गया होगा। तो ये गलतियां आपके घर से क्यों होती है? कोई बॉस नहीं बनता। ये गलतियां आपके घर से क्यों होती है? ये गलतियां आपके घर से क्यों होती है? भारतीय जनता पार्टी 85 सांसदों के साथ बीपी सिंह की सरकार को समर्थन की थी और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था, जगमोहन वहां के राज्यपाल थे। ये भाजपा और जगमोहन को राज्यपाल बनाया किसने? जगमोहन को राज्यपाल बनाया किसने? केंद्र में किसकी राज्यपाल किसने बनाया? प्रसाद पर्यंत पद किसने बनाया? तथ्य गलत बोल रहा हूं तो ये माइक छोड़कर घर वापस लौट जाऊंगा अभी इसी समय, अगर मैं तथ्य गलत बोलूंगा तो। ये भी बताइए, कश्मीरी पंडित आपके, कश्मीरी आप पंडित ये ना, भारत का प्रधानमंत्री कौन था? मैं आपको प्रधानमंत्री बता रहा हूं, अगर ये प्रधानमंत्री वाली बात आ गई तो प्रधानमंत्री बता रहा हूं, कश्मीरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 370 और 35 घटना घटी। आप ये मत बताइए, सर सवाल सुन लीजिए, आप क्यों डर रहे हैं? सवाल से क्यों डर रहे हैं आप? चंद्रेश जी भाग क्यों रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं आप? सवाल तो सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, जब इंदिरा गांधी खुद कश्मीर में जमीन खरीदना चाह रही थी तो वह जमीन नहीं खरीद पाई, क्यों? किसकी देन थी ये 370 और 35 है? यह भी बताइए ना, संविधान में 370 और 371 स्पेशल राज्य का दर्जा प्रदान करता है, क्या विशेष परिस्थितियों में? तो विशेष परिस्थितियों में ताउम्र बांध दिया आपने।